डर व्यूअर्स सलाम आज हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं वाट इज डिस्क्रिप्टिव स्टैट एज वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इनिचर स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स सो टूडे वी आर गोइंग फॉर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डेफिनेशंस इन दिस लेक्चर Actually, this is a series of three lectures. In the first lecture, we will represent the definitions of descriptive statistics. Okay, descriptive statistics? And we will see graphical pictorial methods to describe the descriptive methods. And in the next lecture, we will describe central tendency. In the third lecture, we will describe measure of dispersion and so on. So, what is descriptive statistics? डिस्क्रिप्टिविस्ट एक्चुअली जो है इट प्रोवाइड देशन अबाउट दिन डेटा सेट दीज आर यूजफुल्स द बेसिक इंफॉर्मेशन फॉर द अबाउट द वेरिएबल्स इन ए डाटा सेट डाटा के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में ये मीटा डाटा प्रोवाइड करती है सेकेंड इट हाई लाइट द पोटेंशियल रिले बिटवीन द वेरिएबल्स की वेरिएबल्स के दरम्यान क्या रिलेशनशिप है उसको एक्सप्लन करती है हाई लाइट द पोटेंशियल रिलेशनशिप सो मोस्ट कॉमन रिलेशनश मोस्ट कॉमन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिक्स जो है वो है सेंट्रल टेडेंसी डिस्पेरियन एंड एसोसिएशन दिज आर मैर्स आर रिप्रजेंटिंग द डिस्क्रिप्टिवर ऑफ सेंट्रल टी मेशन एंड मैयर ऑफ एसोसिएशन सो टोडेज एजेंडा इज अबाउट ग्राफिकल एंड पिक्चोल मेथड्स कि ये जो हम ग्राफ्स एंड यूज करते हैं या पिक्चर्स वगैरह का सहारा लेते हैं ड्रॉज का सहारा लेते हैं सो वाई दे आर यूज़ एंड वेयर दे आर यूज ये चार हैं ग्राफिकल मैथड्स जो है डिस्क्रिप्टिव स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए मेथड जो है वो फर्स्ट वो चार हैं हिस्टोग्राम स्केट प्लॉट्स जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको हम जी आई एस भी बोलते हैं एंड सोशियोग्राम्स फर्स्ट हम देखते हैं हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम जो है एक किस्म का ऐसा चार्ट है इसको हम बाई चार्ट भी कहते हैं actually it represents the visual values of variables how they occurs how they will be look like so it will look like it it has few bars in it with different colors mean they are representing different values different variables which variables is on which extent along the x-axis it uh, Almost deploys each value of the variables and along the y axis it deployed the corresponding frequency or number of that strength of that variable that is also represented on the x axis and y axis. So it is mostly used on the to show the relationship between two dependent variables. So next. Scattered plot. Scattered plot is another graph which is used to represent data in the shape of dots. Here you can see that on the plots, there are different data elements that are showing each data elements. They first they are plotted against their respective pair of values, one pair representing.

so one variable will represent x values along the height and weight and y value along the considering the height of the that variables so each person in the data would represent one data point on the scatter plot these are the dots representing the each person that correspond to his height and weight okay, each dot jo hai wo, अगेंस्ट अपने हाइट एक्स और वाई के लॉन्ग उसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करके वहां पर एक डॉट जो है वो अप्लाई किया जाता है सो दिस इज ऑल अबाउट स्केटर प्लॉट नाउ व गोइंग फॉर जी आई एस दैट वी कॉल्ड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये एक कंप्यूटर सिस्टम है कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है और इसका काम होता है इट इज इट इज़ यूज टू कैप्चर स्टोर एंड एनालाइज द एनालाइज एंड डिस्प्ले द जियोग्राफिकल रेफरेंस इंफॉर्मेशन ये जो है वो जी आई एस जो है ये कम्प्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है कंप्यूटर बेस्ड होता है इसके अंदर जो डाटा है लोकेशन के अकॉर्डिंग उसको डॉट्स में या कुछ सिंबल्स के जरिए उसको यूज़ किया जाता है द डॉट्स और सिंबल आर रिप्रेजेंटिंग ईच डाटा एलिमेंट्स और इनका काम क्या होता है ये जो डिवाइस होती है जी आई एस ये जो भी प्रोग्रामर्स होता है ये रिसर्चर होता है वो दो कैट इन क्रिएट ए मैप टू रिप्रेजेंट डेटा रिलेशनशिप विजुअली कि विच डेटा एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच एन अदर डाटा एलिमेंट्स सो इसके एंड पे यही होता है कि डेटा को जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कैप्चर किया जाता है फर्स्ट देन उसको स्टोर किया जाता है परमानेंटली एंड देन उसको एनालाइज एंड फिर उसको जो है वो एंड पे डिस्प्ले किया जाता है जो कि एक खास जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करके वहाँ को उसको जो है ना वो रेफरेंस दिया जाता है सो so, लास्ट पे है सोशियोग्राम्स ये एक नेटवर्क्स uh, ऑफ रिलेशनशिप है अमंग वेरिएबल्स सोशियोग्राम्स जो है वो एक नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप है डिफरेंट वेरिएबल जो है वह लाइक दिस वन दिस वन सो इनके दरमियान जो नेटवर्क बन रहा है सोशो नेटग्राम जो सोशियो नेटवर्क बन रहा है उनके दरमियान नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बन रहा है जो है वो ये जस्ट उसकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप को जो है ना वो शो करवाता है दैट वुड अदरवाइज बी टू कंप्लेक्स टू कंसेपच्चुलाइज कि इसको जो है वो दूसरे एंगल से देखना बहुत टफ होता है इसलिए जो है वो सोशोग्राम को बना के जो है वो रिटर्न डेटे को एक सोशोग्राफ की शक्ल में हम इसको ईजिली व्यू कर सकते हैं दैट्स आर फॉर टूडे